हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूँ जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका नॉलेज टेस्ट एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद रोड टेस्ट की क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं रोड टेस्ट के पहले। तो वो सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक नॉलेज टेस्ट के रिगार्डिंग मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको यहाँ पे नॉलेज टेस्ट के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है। और एक बार आपकी नॉलेज टेस्ट की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए और आप नॉलेज टेस्ट पास कर लो, उसके बाद आपको रोड टेस्ट के लिए क्या करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बार आपकी नॉलेज टेस्ट पास हो जाए उसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस ले लेना चाहिए, अगर आपका 6 महीने का वैलिडिटी पीरियड ख़त्म हो गया है तो। अगर आपका 6 महीने का वैलिडिटी पीरियड ऑन है तो आपको लर्नर लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक बार आप नॉलेज टेस्ट पास कर लो उसके बाद आपको क्या करना है तो उसकी बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो जैसे ही आप नॉलेज टेस्ट पास कर लेते हो तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है फॉलो वो है, सबसे पहले आप वहीं से आप अपनी रोड टेस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करवा लो, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको महीने 1.5 महीने या 2 महीने बाद की मिलेगी। तो उसी टाइम पे अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करवा ली तो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मगर आप ऐसा सोचेंगे कि बाद में मैं अपॉइंटमेंट बुक करूँगा तो फिर आपको देरी भी लग सकती है लाइसेंस आने में। तो जैसे ही आप नॉलेज टेस्ट क्लियर करो उसी वक्त आप रोड टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दो। अब जब आपने पहली अपॉइंटमेंट बुक की थी उस वक्त आपको फ़ोन करके बुक करनी थी, मगर अब आपकी फाइल ओपन हो गई है तो आपको अब फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप SAAQ की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और वो एकदम ईजी है। तो एक बार आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाए उसके बाद क्या करना है वो मैं आप बताता हूँ। तो अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि आप रोड टेस्ट देने के लिए प्रिपेयर हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ के कनाडा के रोड पे गाड़ी ड्राइव करने में, तो आप अपने आप भी एग्ज़ाम दे सकते हो रोड टेस्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको यहाँ पे कार ड्राइविंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा सजेशन है आप यहाँ पे कोई भी ड्राइविंग स्कूल में जाओ और वहाँ पे जाके आप ड्राइविंग के थोड़े सेशन ले लो। तो ये ड्राइविंग के सेशन होते क्या है, तो यहाँ पे जो भी ड्राइविंग स्कूल होती है वो एक बार आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आपको ड्राइविंग के ऑन रोड सेशन देती है, जिसके अंदर वो लोग आपको रोड पे लेके जाते हैं और वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि यहाँ पे कनाडा में आपको किस तरह से गाड़ी ड्राइव करनी है और यहाँ पे कनाडा में गाड़ी ड्राइव करने के क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन वो उस वक्त आपको देते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है जिसके अंदर आपको पता चले कि यहाँ पे जब आप कनाडा में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रोड टेस्ट के दौरान आपको कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ज़्यादातर जो लोग इंडिया से आते हैं ना वो लोग गलती क्या करते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके हम रोड पे गाड़ी ड्राइव कर लेंगे उसमें क्या है। मगर यहाँ पे ड्राइविंग करने में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर वो आप पॉइंट कंसीडर नहीं करोगे ड्राइविंग के दौरान तो आप रोड टेस्ट पास नहीं कर सकोगे। जैसे कि आपको एवरी स्टॉप साइन पे स्टॉप करनी है गाड़ी को, आपको लेन में ही ड्राइव करनी है, आपको पैरेलल पार्किंग आनी चाहिए, आपको रूल्स पता होने चाहिए कि आपको कहाँ पे किसको राइट ऑफ द वे देना है। तो ये जो सारी जानकारी होती है वो अगर आपके पास नहीं होगी ना तो आप रोड टेस्ट क्लियर नहीं कर सकोगे। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी ड्राइविंग स्कूल में जाके वहाँ पे थोड़े से रोड सेशन ले लो। आपको 4 या 5 रोड सेशन लेने की ज़रूरत रहती है जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ड्राइविंग के रूल्स क्या क्या है। थियोरेटिकल जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट है और प्रैक्टिकली जब आप कार ड्राइव करने के लिए रोड पे जाते हो ना तो वो रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं। आपको प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, आपको पूरे साइन बोर्ड देखने पड़ते हैं, ड्राइविंग
के दौरान आपको सिग्नल को फॉलो करना पड़ता है, तो वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप सेशन जब लोगे उस वक्त आपको क्लियर होगी। अगर आप सीधे ही गाड़ी लेके रोड पे निकल जाओगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि सबको प्रॉब्लम होती है, मगर ज़्यादातर सबको प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब होती है कि इंडिया में हमारा राइट हैंड साइड का ड्राइविंग है और यहाँ पे कनाडा में लेफ्ट हैंड साइड का ड्राइविंग है। तो जब हम यहाँ पे कोई भी क्रॉस रोड पे खड़े हो और वहीं पे हमको मोड लेना हो लेफ्ट या राइट का, तो उस टाइम पे ज़्यादातर हम हमारी इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से ड्राइव करते हैं और कभी कभी हम रॉन्ग साइड में चले जाते हैं। और अगर आपने रॉन्ग साइड में गाड़ी ड्राइव कर ली ना और इंस्पेक्टर आपके साथ बैठा है तो आपको तुरंत ही वो फेल कर देगा। तो अगर आपने रोड सेशन नहीं लिए है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नॉलेज टेस्ट क्लियर करने के बाद सबसे पहले थोड़े रोड सेशन ले लो और उसके बाद ही रोड टेस्ट के लिए आप जाओ। तो अब बात करते हैं रोड सेशन का खर्चा कितना होता है। तो यहाँ पे रोड सेशन के लिए जो खर्चा होता है वो ड्राइविंग स्कूल के ऊपर डिपेंड है, आप कौन सी ड्राइविंग स्कूल में एनरोल करके आए हो और वहाँ पे वो लोग क्या चार्ज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, मगर वो ज़्यादातर घंटे के हिसाब से होता है। तो वो हर एक घंटे के $30 या $35 से लेके $50 तक का चार्ज भी वो लोग ले सकते हैं। अब ऑन रोड आपको कितने सेशन लेने हैं वो आपकी ड्राइविंग की जो स्किल है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मीन्स आपको 3 सेशन चाहिए, आपको 5 सेशन चाहिए, आपको 7 सेशन चाहिए, आपको 8 सेशन चाहिए, वो आपकी ड्राइविंग की स्किल कैसी है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपको ड्राइविंग अच्छी तरह से आती है और आप यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाते हो यहाँ के रोड की कंडीशन के हिसाब से, तो आपको 3 सेशन में भी आप रोड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मगर आपको यहाँ पे जो रूल्स है वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पे जो रूल्स है वो फॉलो करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको 8 सेशन भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं रोड टेस्ट के दौरान आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आपने रोड के सेशन ले लिए और उसके बाद बारी आती है रोड टेस्ट की। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट, जिस डेट पे आपकी अपॉइंटमेंट है उस टाइम पे आपको सर्विस आउटलेट पे जाना रहता है जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट बुक करवाई है। वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करना है, फिर आपको आपके कार के पेपर सबमिट करने हैं। अब यहाँ पे आप अपनी खुद की कार लेके जा रहे हो तो आपके कार के सारे पेपर आपके पास हो गए, जैसे कि आपका कार का रजिस्ट्रेशन और आपका इंश्योरेंस और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जब आप रोड टेस्ट देने के लिए जाते हो, तो उस वक्त आपको वो ऑफिस पे सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आप आपकी खुद की ड्राइव पे रोड टेस्ट देना नहीं चाहते हो और आप रेंट पे लेके देना चाहते हो, तो आप गाड़ी रेंट पे भी ले सकते हो और जहाँ पे आप रेंट पे लेते हो वो भी वहाँ पे कार के ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे वो आपको कार का रजिस्ट्रेशन और कार का इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करते हैं और वो आपको वहाँ पे सबमिट करना रहता है। अगर आपने रोड सेशन लिए हुए है तो जो भी ड्राइविंग स्कूल से आपने रोड सेशन लिए है तो वो लोग भी अपनी कार रेंट पे देते हैं रोड टेस्ट के लिए, मगर वो जो रेंट पे देते हैं उसका किराया करीबन $80 to $100 रहता है जो हर एक ड्राइविंग स्कूल वाले चार्ज करते हैं जब आप उनकी कार लेते हो रोड टेस्ट देने के लिए। और उस वक्त जो भी ड्राइविंग स्कूल वाले रहते हैं वो उनके कार के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनका कार का रजिस्ट्रेशन और कार का इंश्योरेंस और साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको SAAQ के सर्विस आउटलेट पे जमा करवाने रहते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो भी एग्जामर होता है, मीन्स के जो इंस्पेक्टर होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जब आप रोड टेस्ट के लिए निकलते हो तो वो आपके साथ आता है। अब जब आप रोड टेस्ट के लिए रोड पे जाते हो तो सबसे पहले इंस्पेक्टर आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आपको रोड टेस्ट कैसे देनी है, जिसमें वो गाइड करता है कि मैं जैसे जैसे रास्ता दिखाऊंगा वैसे वैसे आपको उस रास्ते पे गाड़ी चलानी है, मगर वो खाली रास्ता बताएगा, मगर रोड के ऊपर आपको किस तरह से ड्राइव करना है वो आपको डिसाइड करना है और उसके बेसिस के ऊपर वो आपको पॉइंट देगा। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप कोई गलती कर रहे हो, वो सारी चीज़ें वो अपने नोट में नोट करता है। और उसके बाद जब आपकी रोड टेस्ट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जब आप रोड टेस्ट ख़त्म करके जाते हो सर्विस आउटलेट के ऊपर, तो वहाँ पे वो आपको पैरेलल पार्किंग, अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपको वो वहाँ पे पैरेलल पार्किंग भी करवा सकता है। और जब आप सर्विस आउटलेट पे जाओ तो वहाँ पे आपको बैकअप भी लगानी रहती है। तो वो सारी चीज़ें
क्लियर करने के बाद वो वहाँ पे जब आपकी ड्राइविंग टेस्ट ख़त्म होगी उसके बाद वो आपका रिजल्ट आपको बोलेगा, और उस टाइम पे अगर आप पास हुए तो वो तुरंत आपको बता देगा कि आप यहाँ पे पास हो गए हो, आप रोड टेस्ट क्लियर कर ली है आपने, मगर आपने वहाँ पे कोई भी गलती की है तो वो बोलेगा कि आप रोड टेस्ट में पास नहीं हुए हैं, और आपने कौन कौन सी गलती की है वो भी वो आपको वहाँ पे बता देगा कि आपने ये गलती की है, इसके कारण मैं आपको पास नहीं कर रहा। जो रोड टेस्ट का जो टाइम होता है वो करीबन आधे घंटे का होता है, जिसके अंदर वो हाईवे से लेकर छोटी गली से लेकर बुलेवार जो होते हैं उसके ऊपर सभी जगह पे वो लेके जाता है, और वहाँ पे वो जज करता है कि आप किस तरह से ड्राइविंग कर रहे हो। सारी चीज़ें देखने के बाद वो अपना डिसीजन देता है। तो जैसे ही आप आपका रोड टेस्ट पास करते हो उसके बाद वो आपको अंदर ऑफिस में लेके जाएगा, और वहाँ पे ऑफिसर आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करके दे देगा। वो आपको एक टेम्पररी लाइसेंस इश्यू करके देगा, और उसके बाद जो स्मार्ट कार्ड जैसा लाइसेंस होता है ना वो आपको 9 या 10 दिन में आपके घर पे आ जाता है, मगर इनिशियली तौर पे वो आपको वहाँ पे एक पेपर लाइसेंस इश्यू करके दे देगा जिससे आप कैनेडा में गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। अगर आपने रोड टेस्ट पास नहीं किए और अगर आप रोड टेस्ट में फेल हुए तो फिर तुरंत ही आपको दूसरी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, और आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा से पूरी प्रोसीजर फॉलो करके आपको रोड टेस्ट देनी पड़ेगी। तो ये जो सारी प्रोसीजर मैंने बताई वो सारी प्रोसीजर थी रोड टेस्ट कैसे आपको देनी है उसके बारे में। अब रोड टेस्ट के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे रोड टेस्ट के दौरान सबसे खास ध्यान में रखने वाली बात है वो है हर एक स्टॉप साइन पे आपने स्टॉप की हुई होनी चाहिए, आपका ड्राइविंग डिफेंसिव होना चाहिए, आपने हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा होना चाहिए। जैसे आपको जब भी आप रोड पे निकलते हो या रोड पे से आप जब हाईवे पे मर्ज होने जा रहे हो तो आपको यील्ड पता होनी चाहिए, दैट मीन्स आपको राइट ऑफ द वे पता होना चाहिए कि कौन पहले जाएगा, आपको कब जाना है, किसको आपको वे देना है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। वो आपको रोड टेस्ट के दौरान पैरेलल पार्किंग भी करवाता है, तो पैरेलल पार्किंग का भी जो प्रोसीजर है वो आपको आना चाहिए। जब आप रोड टेस्ट ख़त्म करके आप जब ऑफिस पे आते हो तो वो आपको बैकअप पार्किंग करने को बोलेगा, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट कंसीडर करने के बाद वो आपको पास या फेल का रिजल्ट देता है। तो अगर आपने गाड़ी ड्राइव अच्छी तरह से की हुई होगी तो वो आपको पास कर देगा, मगर आपने कई जगह पे कोई भी मेजर गलती की हुई होगी तो वो आपको फेल कर देगा। आपको रोड टेस्ट के दौरान कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं वो आप मैंने जो अगली वीडियो बनाई थी उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो वो आप एक बार रिफ़र कर लेना, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको जब आप रोड पे गाड़ी लेके निकलो तो आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे रोड टेस्ट कैसे क्लियर करनी है और रोड टेस्ट की क्या प्रोसीजर होती है उसके बारे में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड या फिर आपको रोड टेस्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे नीचे रेड बटन दिया है वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। और अब फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।